ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर गेट सिस्टम। क्लियर? तो आपके पास एक्चुअली गेट सिस्टम का पर्पस क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो बूटस्ट्रैप्स गेट सिस्टम अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। तो आपके पास जो आप पूरी वेबसाइट की जो बॉडी है या आप वेब ब्राउजर की जो बॉडी है, उस पूरी वेब पेज की बॉडी को इसने 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। कितने कॉलम्स में? 12 कॉलम्स के अंदर। अब यू कैन डिवाइड द कंटेनर इन रोज एंड ईच रो इन कॉलम्स विथ स्पेस मल्टीपल ऑफ द 12। अब देखो यहां पे आपको शो हो रहा है, ये पूरी आप समझ लो, ये जो रेड आपको शो हो रही है ना इमेज, ये समझ लो कि पूरे आपके वेब ब्राउजर की बॉडी है, या जो आपको वेब ब्राउजर के नीचे पूरी बॉडी शो हो रही होती है ना पेज की, वो समझ लो। उसको इसने 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। कितने कॉलम्स के अंदर? 12 कॉलम्स के अंदर इसने डिवाइड कर लिया है। अब आपने यहां पे ये चीजें करने की जरूरत नहीं है कि अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, मार्जिन, पैडिंग, ये चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने कभी भी मार्जिन और पैडिंग अप्लाई किया होगा और आप उसको जूम इन और जूम आउट करोगे, या उसी वेबसाइट को अगर आप सपोज आप बड़ी स्क्रीन पे चला रहे हो तो वो सही चल रहा है, मार्जिन पैडिंग सारी चीजें, लेकिन अगर आप छोटी स्क्रीन या मोबाइल पे चलाओगे ना वही वेबसाइट, तो उसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होगी। क्लियर? तो आपने क्या करना होता है, हम अप्लाई करते हैं बूटस्ट्रैप का गिर्ड सिस्टम, ये ऑटोमेटिक सारी चीजों को बहुत अच्छे से सेट कर लेता है। तो मैं पहले ड्रीमर ऑन करता हूं और आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि हम कैसे पूरी वेब ब्राउजर की वेट को अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, HTML ही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ था कि बूटस्ट्रैप के लिंक्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, सही है? तो वो मैं आज अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है हम कैसे अप्लाई करते हैं, सही है? तो मैं वही फाइल ओपन कर देता हूँ और ठीक है, ओके। तो मेरे पास ये फाइल है, आज मैं इसी के अंदर काम करने वाला हूं। मैंने CSS के मकसद अकॉर्डिंग बूटस्ट्रैप की लिंक दी हुई है। क्लियर? नीचे मैंने जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी की लिंक्स भी दी हुई है बॉडी टैग क्लोज होने से पहले, सही है? ये देखें, अब मैं आज जो काम करने वाला हूं वो काम करने वाले हम बूट स्ट्रैप के गिर्ड सिस्टम के ऊपर। क्लियर? गिर्ड सिस्टम के अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं कि हमारी कौन सी चीज कहां पे हमें लोकेट करनी है या आपने रखनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बूट स्ट्रैप का गिर्ड सिस्टम यूज करते हैं। सपोज मैं यहां पे एक डिव बना लेता हूं। अच्छा, अब यहां पे डिव ही यूज होंगे टू अप्लाई एनी गेट सिस्टम, हम गेट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिव ज्यादातर यूज करते हैं, तो डिव यूज करेंगे। और यहां पे मैं इसके अंदर क्लास अप्लाई कर देता हूं रो। कौन सी क्लास? जैसे आप लोगों ने टेबल के अंदर TR यूज किया था, एज इट इज हम यहां पे क्लास रो यूज करेंगे। अब इसी डिव के अंदर कुछ कॉलम बनेंगे, जैसे रो के अंदर आप कॉलम बनाते हो ना, या TR के अंदर TD, याद है? एज इट इज। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके एक डिव अप्लाई करता हूं, उसकी क्लास अप्लाई कर देता हूं। अच्छा, यहां पे कॉलम बहुत सारे हैं, एक कॉलम LG होगा, एक XS होगा, एक SM होगा, और आपके बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर यहां पे LG हो तो मकसद कॉलम लार्ज, LG मकसद लार्ज। अगर यहां पे XS हो, XS इसका मकसद है एक्स्ट्रा सिंबल, इसका मकसद क्या है, एक्स्ट्रा सिमॉल। अगर आप बात करते हो SM की, इसका मकसद है सिमॉल, सही है? और अगर यहां पे है MD, इसका मकसद है मीडियम। MD का मकसद क्या है, मीडियम, कि आप कौन सा या किस टाइप का कॉलम बनाना चाह रहे हो, तो हम बनाना चाह रहे हैं मीडियम का। मीडियम इसलिए क्योंकि आपकी मीडियम अगर होगी तो वो किसी भी, चाहे वो बड़ी आपकी स्क्रीन हो या आपके पास छोटी स्क्रीन हो या मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, तो उस पर एडजस्ट कर सकती है, सही है?
तो हम एम डी कॉलम रख देते हैं सपोज 4 का, कितना 4, और इसी के अंदर मैं लिख देता हूं कुछ के फर्स्ट कॉलम, और इसी डिव को मैं क्लोज कर देता हूं। तो मेरे पास एक डिव ये बन चुका है जिसके अंदर मैंने कहा एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम है, कितने 12 कॉलम, सही है। तो 12 कॉलम्स को आप कैसे असाइन करते हो, एक ही रो के अंदर करते हैं, तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं 2 times, सही है। और हम यहां पे आके इसको कह देते हैं सेकंड, इसको कह देते हैं थर्ड। तो देखो मैंने यहां पे क्लास के अंदर कौन सा क्लास कॉल किया है, कॉलम MD4, और मैंने 3 डिव बनाए एक ही रो के अंदर, तो 12 कॉलम पूरे हो गए, समझ में आ रहा है। मैं इसको सेव करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं या रन करता हूं, तो देखें आपकी अलाइनमेंट ऑटो हो रही है, कौन सा आपका टेक्स्ट कहां पे होना चाहिए वो इजीली हो रहा है। आपने ना उसको मार्जिन अप्लाई किया है, ना पैडिंग अप्लाई की है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया हमने, सही है। इवन आप 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो अपने डेटा को, सही है। अगर सपोज मैं इसको कर देता हूं कॉलम MD1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1, तो ये कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए ना। और मुझे डेटा यहां पे सिंपल 1 लिख देना है, क्या 1, और यहां पे कर देते हैं 2, यहां पे कर देते हैं 3, सही है ऐसे। और अगर मैं इन्हीं को कॉपी करके पेस्ट कर दूं, तो आपको मैं 12 कॉलम बताना चाह रहा हूं कैसे हम बना सकते हैं, सही है। मैं इनकी नंबरिंग बढ़ा देता हूं यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा मेरे पास अभी तक रो एक ही है, उसके अंदर मैं 12 कॉलम बनाना चाह रहा हूं, सही है। और 10 हो गए, और ये हो गए 11, और ये हो गया आपके पास 12। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें शो हो रहा है 12 कॉलम आपके डिवाइड हो रहे हैं। अब आपको कौन से कॉलम में कौन सी चीज रखनी है आपकी मर्जी है, सिंपल, समझ में आ रहा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं। अच्छा अब एक मजे की बात बताता हूं, देखें अब अगर मैं इसको स्मॉल साइज पे लाता हूं तो देखें एडजस्ट हो रहा है, सारे इजिली नीचे आ रहे हैं सीक्वेंस में, समझ में आ रहा है। देखें आपकी अगर ये मोबाइल पे चलेगी ना तो ऐसे आपका एक एक कंटेंट सीरीज में आ जाएगा, अगर बड़ी स्क्रीन पे होगा तो ऐसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सही है। अब अगर ये टैबलेट पे चलाते हैं तो टैबलेट के अकॉर्डिंग सेट होगी, अगर आप किस पे चलाते हो, मोबाइल पे चलाते हो, तो मोबाइल के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, सही है। अब मैं इसकी और चीज़ें भी बताता हूँ, और एक दूसरा काम ये कर देते हैं कि इस रो की जो है मेरे पास, या ऐसा करते हैं डिव्स के ऊपर ना बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं, आप CSS भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दिया तो आप CSS अप्लाई नहीं कर सकते, सही है। तो मैं यहां पे आके डिव के ऊपर बॉर्डर जो है सॉलिड 2 pixel और रेड कलर का अप्लाई कर देता हूं, सारे डिव्स पे अप्लाई हो जाएगा ये, देखें अब शोर है टोटल मेरे पास 12 कॉलम्स हैं, और 12 कॉलम्स को आपके पास ऐसे ये डेटा शो हो रहा है। अब बात करते हैं कि अगर मैं इन 12 को चार चार करके बना रहा हूं, जैसे मैंने पहले बनाए थे, है ना, तो वैसे भी बना सकता हूं। मैंने यहां पे जैसे शो करवाया, देखें पहले आपके पास 12 कॉलम्स हैं फर्स्ट में, उसके बाद कितने हैं, अब आपकी मर्जी है कि अगर आपका कॉन्टेंट या आपकी इमेज बड़ी है तो उस लिहाज से सेट करो, उसके कॉलम बढ़ा दो, समझ में आ रहा है। अब अगर आपको 4 कॉलम का चाहिए या आपको 6 का चाहिए, 5 कॉलम का आपको बनाना है डिव, तो आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है आपकी इमेज आपके डेटा के ऊपर कि आपको कौन सा डेटा कैसे सेट करना है, समझ में आ रहा है।
सही है। अब बात करते हैं एक दूसरी कि अगर सपोज मैं इनको एक दूसरा टी आर बना देते हैं, सॉरी टी आर नहीं, रो अप्लाई करेंगे हम पुट स्टेप का, तो मैं यहां पे एक डे बनाता हूं, उसके अंदर क्लास कॉल कर देते हैं रो, सही है, इसी को क्लोज करते हैं और इसी के अंदर हम फिर से डे बना देते हैं फॉर कॉलम, सही है, कॉलम क्लास कॉलम एमडी फोर, कॉलम एमडी फोर। अच्छा हाइफन देना जरूरी है, यहां मैं बीच में दे रहा हूं ना हाइफन, जो माइनस की सिंबल शो हो रही है, सही है। अब मैं इसको कह देता हूं फर्स्ट कॉलम है मेरे पास और ये है मेरे पास, चलें। अच्छा स्टाइल को हमने ऊपर बंद नहीं किया तो उस लिहाज से ये नीचे भी शो हो रहा है, सही है। मैं इसको ऊपर ही क्लोज कर देता हूँ स्टाइल को, स्टाइल क्लोज तो है समथिंग, अच्छा इसकी ब्रैकेट रिमेनिंग है, क्लियर है, ओके। इसी को हम कॉपी कर देते हैं और मुझे तीन कॉलम के मकसद एक रो बनानी है, सेकेंड इट शुड बी थर्ड एंड वी हैव टू क्लोज द रो, रो वाला डिव हमें क्लोज कर देना है। अब सेव करते हैं, शो करवा देते हैं, तो देखें मेरे पास एक थोड़ा सा नीचे क्या बना है, दूसरा एक रो है जिसके अंदर तीन डिव हैं और हर डिव के अंदर मैंने कॉलम MD4 दिया है। अब कॉलम MD4 क्या कर रहा है कि आपकी अकॉर्डिंग टू डेटा आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सही है। अगर आपको ऐसा भी नहीं चाहिए तो आप दूसरा ये भी कर सकते हो कि आप सिंपली आप कर सकते हो, उसका बहुत अच्छा तरीका कौन सा है बता रहा हूं मैं, उसके दो वे हैं, बहुत ही इजी वे हैं। देखें आप इस डेटा को लिखे ही नहीं, सही है, स्पेस आपका वो ऐसे ही आ जाएगा, उसके हम बॉर्डर हटा देंगे। एक तो वे ये है, ये जुगाड़ है, सही है। देखें ये आपका देखो बीच में डेटा आ रहा है, साइड्स उसके एम्प्टी हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं डिव लिखूं ही ना मुझे वैसे ही डेटा चाहिए, तो हम पुट कर सकते हैं इजीली, कैसे देखें आप यहां पे आके ये डिव पूरा लिखे ही नहीं, ये जो पूरे आप डिव लिख रहे हो ना फोर स्पेसेस देने के लिए, इसके अंदर जिसके अंदर आपने डेटा लिखा ही नहीं है, जो आपको यहां पे शो हो रहा है देखें ये वाला, सही है। मैं चाहता हूं इस डिव को आप लिखे ही नहीं है, फजूल की कोडिंग क्यों कर रहे हैं हम, सही है, तो हमें वैसे ही पुट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको कट कर लो, यहां से हटा लो और जो आपने लास्ट में लिखा है उसको भी हटा लो, क्लियर। और आप क्या करोगे, यहां पे आके एक दूसरी एट्रीब्यूट है इसी कॉल आपने अप्लाई करने के बाद, तो आपने करना यह है कि यहां पे आके हम ये देखो आपने ये जो कॉलम रो मेरे पास एक ही है, देखें ये यहां से लेकर यहां तक रो है, मुझे सेंटर में डेटा चाहिए, तो आप जिस डिव के अंदर क्लास कॉलम MD4 लगाया आपने, यानी कि सेंटर में चाहिए ना, फोर के बाद डेटा चाहिए, तो इसके बाद यहां पे आपको एक और भी डेटा देना पड़ेगा, कौन सा पता है, आपने यहां पे देना पड़ेगा क्लास, ठीक है, आप यहां पे ऑफ ये देखें कॉलम जो है आप लिखोगे कॉलम MD ऑफसेट करोगे, इसको क्या करोगे ऑफसेट, यहां पे ऑफसेट होता है कॉलम MD कर लो या कोई भी, सही है। कॉलम आपका कौन सा कॉलम है, मीडियम है ना, कॉलम मीडियम ऑफसेट करना है। ऑफसेट का मकसद, अगर आपके पास 6 चेयर्स पड़ी हैं, कितनी पड़ी है 6 चेयर्स पड़ी है, मैं चाहता हूं 3 का स्पेस खाली छोड़ के बाकी 3 को बाद में रख दो, ऐसे ही है ना। जैसे यहां पे मैं कह रहा हूं कि मुझे ये जो पहला वाला डिव है इसका स्पेस छोड़ के बाकी बाद में वो 4 कॉलम का डिव बना दो, समझ में आ रहा है, तो ऑफसेट कर लेगा, कितने ऑफसेट करवाने हैं आपको, मैं चाहता हूं मुझे 4 कॉलम ऑफसेट करवाने हैं, कितने 4 5 जो आपकी मर्जी है, अभी 4 करके देख लेते हैं, देखें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा देखें अब आपका वो डेटा नहीं है कहां पे, मैं आपको अलग से करके दिखा दूं,
क्योंकि आपका रो के ऊपर भी आ रहा है ना, वो रो के ऊपर भी ऊपर आपने कॉलम अप्लाई किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। मैं इसका अगर कॉलम का ये जो है बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है मैंने, ये हटा देता हूँ, आपको शो करवा देता हूँ। बॉर्डर दिया हुआ है तो वो रो के ऊपर है, डिव है ना रो वाला, उसके ऊपर भी आ रहा है, तो उस लिहाज से देखें डेटा बीच में आ रहा है, आ रहा है, लेफ्ट में भी जगह खाली है, राइट में भी जगह खाली है। मैंने ना डिव बनाया है जिसको एम्प्टी किया है, मैंने दो डिव बनाए ही नहीं है, समझ में आ रहा है। मैं सिंपल एक डिव दे रहा हूँ जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, उसी डेटा को अगर आप बिल्कुल राइट में पुट करना चाह रहे हो, जैसे कह रहा था कि 5 कर दें उसको 6, अब वो आपकी मर्जी है, आप जितने कॉलम छोड़ के उसको ऐड करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। सपोज मैं इसको कह रहा हूँ कि 8 कॉलम का स्पेस छोड़ के फिर इसको लिख दो, फिक्स कॉलम कर देता हूँ इसे, सही है, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट। देखें अब ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, मैंने कुछ और किया, कौन सा, हम इसको ऐड कर रहे हैं, सही है, जब हमें ऑफसेट कितने करने हैं, 8 ऑफसेट करने हैं। अच्छा जी, एग्जीक्यूट करते हैं, देखें ये बिल्कुल लास्ट में आ गया, आ रहा है। अब एक दूसरी बात, अगर आपका जो कॉलम की लेंथ है, टोटल कितने हमें पुट करने हैं एक रो के अंदर, 12, अगर आपकी कॉलम 13 हो जाते हैं, कितने 13, तो आपका वो डेटा न्यू रो में आ जाएगा, उसमें आपका एडजस्ट नहीं होगा, ये याद रहे। अगर आपका डेटा 12 कॉलम से बढ़ के 13 हो गया, कितने 13, देखिए मैंने 4 कॉलम का तो मेरा डेटा है, मैंने उसको 8 कॉलम क्या किया है, ऑफसेट किया है, लेकिन अगर मैं इसको 9 करता हूँ वो दूसरे रो में आ जाएगा, देखिएगा वो दूसरे रो में आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, अभी तो वो ऑफसेट कर रहा है, और डेटा आपका टोटल कितना है, थोड़ा सा डेटा है ना, तो एडजस्ट हो रहा है वो। अगर मैं ऐसा कर दूं, सपोज आपके टोटल कितने थे ऊपर, 12 कॉलम थे, मैं 12 कॉलम्स को एक 13वां कॉलम दे देता हूं, बिल्कुल यहां पे हम आते हैं फर्स्ट रो के अंदर ना, और यहां पे हम देखें यही डिव है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं यहां, और इसको कर देते हैं 13वां कॉलम, कौन सा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए 13 में कहाँ पे आ रहा है, शो हो रहा है। जब भी 12 कॉलम से आपकी लेंथ बढ़ जाएगी तो 13वां कॉलम जैसे होगा डेटा नीचे आ जाएगा, ये याद रहे, क्लियर। ओके, अब आपने करना ये है, अब हम कुछ डेटा पुट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। ये तो था, हमने सिंपल गेट सिस्टम को पढ़ दिया, लेकिन अगर मैं इसी गेट सिस्टम के अंदर कुछ डेटा पुट करके उसको सेट करूं तो फिर हम कैसे करेंगे, सही है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला भी आप हटा दो ये, और फर्स्ट वन भी हटा देते हैं, जो 12 कॉलम हमने दिए हैं, मुझे 3 कॉलम्स के अंदर डेटा को सेट करना है, और आपको इसको प्रैक्टिकली समझाना है कि रेस्पॉन्सिव कैसे बनता है, सही है, रेस्पॉन्सिव हम कैसे बना सकते हैं इसको। ओके, एंड नाउ वी हैव टू पुट समथिंग। अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा देना चाह रहा हूँ, सपोज मैंने कोई इमेज उठा ली, सही है, एक इमेज ब्राउज करवा देते हैं, लेकिन इमेज की विड्थ हाइट आपको बहुत ही मुनासिब देनी पड़ेगी, वरना वो इशू करेगा, सही है। सपोज हम डेस्कटॉप पे ही जाते हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस होंगी, सपोज दिस वन उठा लेते हैं, इसी की हम विड्थ रख देते हैं, सपोज ये ज़्यादा है बहुत, मैं कर देता हूँ 120 पिक्सल, सही है, इसकी हाइट भी एज इट इज़ कर लेते हैं 120 पिक्सल, और इसको कवर कर लेते हैं। मैं यही इमेज तीनों डिव के अंदर रख रहा हूँ, सही है, एक ही इमेज है, सिर्फ बताने का पर्पज है, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखें अब ये डेटा सेट हो रहा है आराम से, क्लियर। अब आपको अगर 4, 5, 10 इमेजेस रखनी है, आप बहुत ही अच्छे से रख सकते हो, जो आपको गैलरीज वगैरह बनानी थी। अब ग्रिड सिस्टम के अंदर कितना इजी बनेगा बताओ मुझे, आपको पेडिंग, मार्जिन, टेबल बना के टीटीज के अंदर पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली और बहुत ही इजीली आप बना सकते हो इस डेटा को। अब यहां पे आते हैं, इसको रेस्पॉन्सिव फीचर्स देख लेते हैं। अब देखें मैं इसको जैसे मिनिमाइज करता हूँ, देखें
एडजस्ट हो रही हैं, लेकिन अगर आप भी आप ये वही यही चीजें आप विदाउट बूट स्टेप के करते ना, तो आपकी वो यहीं पे छुप जाती, हाइड हो जाती पिक्चर, है ना? क्लियर? लेकिन ये ऑटो एडजस्ट हो रही है, देखें। क्लियर है? साउंड में आ रहा है? अच्छा, हम इमेजेस को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, इवन इमेज को भी रेस्पॉन्सिव हम बना सकते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें हम कर सकते हैं बूट स्टेप। इतना बहुत मकसद आप यूज करते हो इन योर रेस्पॉन्सिव फीचर्स के अकॉर्डिंग वेबसाइट में। सही है? तो ये था ग्रिड सिस्टम। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।